नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी भारत में स्वागत है। किसी ने सही कहा है कि अपराधी कितना भी होशियार हो, लेकिन उसकी एक गलती उसको सलाखों के पीछे तक ले जाने के लिए काफी है। दिल्ली के पहाड़गंज में एक ज्वेलरी की दुकान लूटने वालों के साथ ऐसा ही हुआ। 4 करोड़ की ज्वेलरी लूटने वालों के पास 40 रुपए भी नहीं थे, इसलिए आरोपियों ने कैब चालक से पेटीएम कर 40 रुपए कैश लिया। पुलिस ने इसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए आरोपियों का पता लगाया और फिर 3 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से फिलहाल 2 करोड़ के गहने भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि 31 अगस्त बुधवार की तड़के करीब 4:30 बजे आरोपियों ने 2 कुरियर कंपनी के लड़कों से करीब 4 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट ली थी और मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने लूट वाली जगह के आसपास की करीब 200 CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले थे। पुलिस ने 1 हफ्ते पहले से फुटेज की जांच शुरू की थी तो पता लगा कि आरोपी इस इलाके की 1 हफ्ते से ही दाखी कर रहे थे। इसी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि पहाड़गंज इलाके में आरोपी एक कैब चालक से बात कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कैब के नंबर के जरिए चालक के बारे में पता किया। इसके बाद कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, उनके पास कैश नहीं थे और दुकान वाले के पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं थी, जिसके बाद उन लोगों ने कैब चालक से बात की और उससे कैश पैसे उधार लिए और उसको पेटीएम से पैसे डाल दिए। इसके बाद पुलिस ने उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डिटेल निकाली तो पता लगा कि ये शख्स दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला था, लेकिन उसकी लोकेशन जयपुर की निकली। उसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत जयपुर आई, वहां से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की है। ताज़ा अपडेट के लिए वीरी टीवी भारत से जुड़े रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।